हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्नो 52 में आपका स्वागत करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आपको सदैव स्वस्थ और मस्त रखें। आज का जो मेरा वीडियो का काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है निंजा ट्रिक है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कंटेंट मेरा काफी इंटरेस्टिंग है। बेटर साउंड क्वालिटी का आनंद लेना चाहते हैं तो हेडफोन और ईयरफोन का इस्तेमाल कर लें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं आपका फेसबुक पेज हो या फेसबुक प्रोफाइल हो, सेम प्रॉब्लम आता है। यदि आप इलिजिबल नहीं हैं तो आप ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकते हैं फेसबुक से, चाहे आपका खुद का ही कंटेंट क्यों ना हो। यहाँ देखिए इलिजिबल कंट्री मेरा इंडिया है, और लेकिन यहाँ पर देखिए यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है। यदि यहाँ पे क्रॉस ब्लैक कलर का रहेगा, ग्रीन नहीं रहेगा, तो आप एक भी रुपया कमा नहीं सकते हैं, चाहे आपके कितने भी फॉलोअर हैं, जबकि आपका पेज कैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यू रिसाइड इन इलिजिबल कंट्री, यहाँ देखिए इलिजिबल कंट्री में तो हम हैं, लेकिन यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में मेरा ग्रीन है, ऐसा रहेगा तो आप मतलब कि पैसे कमा सकते हैं। तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, मतलब ग्रीन काले रंग को ग्रीन में कैसे लाएंगे, हरा कैसे करेंगे, सर्वप्रथम आपको करना क्या है, आपको अपना फेसबुक पेज हो या प्रोफाइल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, आइडिया एक ही है और ट्रिक एक ही है। आपको क्या करना है, फेसबुक खोल लेना है, इसके बाद देन आपको लोगो पर क्लिक करना है। जैसे आप लोगो पर क्लिक करेंगे यहाँ सी डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए एक मोनेटाइजेशन सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप मोनेटाइजेशन पर क्लिक करेंगे इन स्ट्रीम एड्स पर आपको क्लिक कर देना है। इन स्ट्रीम एड्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए मेरा यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू है। यह किस लिए आता है मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। 3-4 गलतियों की वजह से आता है। आपने किसी को भद्दा गाली गलौज करके स्कैम स्पैम कर दिया है, कमेंट कर दिया है तो भी यहाँ आ जाता है। किसी का वीडियो उठा करके, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, मौज हो गया, टिकटॉक हो गया, या कहीं से भी आप उठा करके इस पर डाल देते हैं वीडियो, तो भी आपको कॉपीराइट की वजह से यहाँ कंटेंट मोनेटाइजेशन और पॉलिसी इशू और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट किए हैं तो भी यहाँ कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ जाता है। तो चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे मतलब कि अकाउंट्स पे, पेज पे या प्रोफाइल पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आपको चेक कैसे करना है, आपको बैक आ जाना है, फिर से आपको फेसबुक खोलना है, ऊपर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है लोगो पर, और जैसे आप उस पर लोगो पर क्लिक करेंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको मोनेटाइजेशन के नीचे फेस रिकमेंडेशन का ऑप्शन आता है, रिव्यू पेज एंड रिकमेंडेशन स्टेटस, मतलब इसको चेक करेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां देखिए रिकमेंडेबल है, मतलब मेटा कंपनी फेसबुक आपके वीडियो को रिकमेंड करेगा फ्यूचर में, और अभी भी रिकमेंड कर रहा है। यदि यहां पे नॉट रिकमेंडेबल रहेगा तब आप समझ जाइए कि आपके चैनल पे, आपके प्रोफाइल पे, आपके पेज पर कोई प्रॉब्लम अवश्य है। अब आपको चेक कैसे करना है, पेज स्टेटस को चेक कर लेना है, इसके बाद रिकमेंडेशन को चेक करना है। चलिए हम रिकमेंडेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए व्हाट डज रिकमेंडेड मींस, मतलब पूरा यहाँ पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, पेज स्टेटस को चेक कर लेना है। यहाँ देखिए पेज स्टेटस आप ऊपर में देख सकते हैं, मेरा पेज का नाम है, इसके बाद पेज हैज नो इशू, यहाँ ग्रीन टिक राइट नाउ का चिन्ह है, और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि गुड न्यूज नो वायलेशन टू इशू, मतलब हमारे पेज पे कोई इशू नहीं है, और जो मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आया है एक प्रकार का बग है। अब आपको क्या करना है, एक तरह से और चेक कर लेना है, हेल्प एंड सपोर्ट पे जाना है। हेल्प एंड सपोर्ट पे जैसे आप जाएंगे सपोर्ट इनबॉक्स पर क्लिक कर लेना है। यहाँ रिपोर्ट अबाउट अदर है, इसके बाद योर अलर्ट्स है, योर अलर्ट्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए नो वायलेशन, थैंक यू फॉर हेल्पिंग टू कीप फेसबुक सेफ टू एवरीवन, मतलब आपके अकाउंट पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यह सब आप चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही होता है तो आपको एक मेटा कंपनी को मैसेज कर देना है, रिपोर्ट कर देना है। तो आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करना है। जैसे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए मेटा कंपनी आपको इंडिकेट कर रहा है कि रिपोर्ट अबोज एंड स्पैम शुड नॉट बी सबमिटेड, यहाँ बोल रहा है कि आप कोई मैसेज हमें देना चाहते हैं तो उसमें गाली गलौज और भद्दा अप शब्दों का व्यवहार नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसे रिपोर्ट को मतलब हम सबमिट नहीं करेंगे।
तो आप सोच लें, समझ लें, देन आपको इंक्लूड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंक्लूड पर क्लिक करेंगे, आपसे मेटा पूछ रहा है किस विभाग से आपको प्रॉब्लम है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पेज से प्रॉब्लम होगा तो पेज पे करेंगे, प्रोफाइल से होगा तो प्रोफाइल पे करेंगे। चलिए हम पेज पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप पेज पे क्लिक करेंगे, सेंट रिपोर्ट प्रॉब्लम का फॉर्म खुल जाएगा। आपको करना क्या है, अटैचमेंट पे जो पहले से है स्क्रीनशॉट अटैच है, इस पे आपको क्रॉस करके हटा देना है। जैसे आप हटाएंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अपलोड फ्रॉम फोन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड फ्रॉम फोन पर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी खुल जाएगी। वहां से आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू का आया था, वह आपको स्क्रीनशॉट यहां पे अटैच कर लेना है। अब डिस्क्राइब द इशू, आपको डिस्क्राइब द इशू में क्या लिखना है हम आपको बता देते हैं। यदि आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको लिख लेंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत अच्छे से लिखेंगे, और नहीं तो हिंदी में लिख के गूगल ट्रांसलेट से आप क्या करेंगे कि ट्रांसलेट इंटू द इंग्लिश कर लेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, गूगल ट्रांसलेट खोल लेना है। गूगल ट्रांसलेट खोलने के बाद यहाँ लिखना है, मेरे प्यारे फेसबुक टीम, मेरा पेज डीके टेक्नो 52 जिसमें कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया है, जबकि मैं खुद का कंटेंट अपलोड करता हूँ, आपसे सबने निवेदन है कि मेरे पेज को रिव्यू करें और मेरी समस्या का समाधान करें, आपका स्वागत है। तो यह क्या होगा कि इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, माई डियर फेसबुक टीम, माई पेज डीके टेक्नो 52 इन विच कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हैज कम वाइल अपलोडेड आई वन कंटेंट, आई हम्बली रिक्वेस्टेड यू टू रिव्यू माई पेज एंड सॉल्व माई प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। इसको क्या करना है, आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ आपका कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लेना है। देन यहाँ ले जा करके लॉन्ग प्रेस करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर देंगे, आपका मैटर यहाँ पेस्ट हो जाएगा। देन आपको करना क्या है, ऊपर में आपका जो पोस्ट का आइकन है, पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पोस्ट पे आइकन पर क्लिक करेंगे, आपका मैटर सेंड हो जाएगा मेटा फेसबुक के कंपनी में। और यहाँ देखिए फाइनलाइजिंग बग रिपोर्ट प्लीज वेट, मतलब यह चला जाएगा। जैसे यहाँ चला जाता है, फिर से आप जहां शुरू किए थे वहीं पे आपको रिबैक कर देगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। और इसी तरह से मैं रिसर्च करता हूं और प्रत्येक समस्या का समाधान सोशल मीडिया से निकालता हूं, तो मेरे चैनल पे बने रहे प्लीज। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और घंटे का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले ताकि मेरी वीडियो आपके मोबाइल में विजिट करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।